afternoon, the students. In last class we have to study Thomson's model. Last class हम Thomson model पढ़ चुके हैं. Thomson ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और बताया था कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर मूव करता है, आउटर साइड में पाया जाता है. तो ये जो हमारे न्यू साइंटिस्ट है रदरफोर्ड, इनके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका अरेंजमेंट कैसा है, किस तरह ये वर्क करता है. तो इन्होंने क्या किया, एक गोल्ड शीट ली. ये बहुत पतली होती है, इसका अरेंजमेंट बहुत थिन होने के कारण इन्होंने गोल्ड शीट चूज की और इसके ऊपर अल्फा रेज मूव कराई. अल्फा रेज क्या, एक्चुअल में हीलियम का रेज होती है. हीलियम का जो वेट है वो 4 μ होता है, हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं. इसका एटॉमिक नंबर 2 होने से इसका जो वेट है वो 4 μ होता है. तो इन्होंने क्या किया, जो गोल्ड शीट ली उनके ऊपर अल्फा रेज जब इन्होंने पास कराई तो इन्होंने जो रिजल्ट देखा वो बहुत चौंकाने वाला था. इस रिजल्ट को समझने से पहले हम एक गेम्स के बारे में स्टडी करते हैं. जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं वो स्टोन थ्रोइंग करते हैं, दीवार के ऊपर कुछ भी चीज फेंकते हैं, या आप सपोज गेंद भी फेंकने को समझ लो. एक बच्चे की आंख के ऊपर पट्टी बांध दी जाती है और उसे दीवार के ऊपर गेंद थ्रो करने के लिए बोला जाता है 10 times. तो वो 10 times जब दीवार के ऊपर गेंद थ्रो करेगा तो वो 10 times टक की साउंड सुनेगा. जितनी बार गेंद जाएगी दीवार से टकराएगी उतनी ही साउंड प्रोड्यूस होगी, तो उसे पता लगेगा कि उसकी गेंद दीवार से टकराई है. अगर उसी बच्चे को हम एक ओपन एरिया में ले जाएं और सामने कोई वॉल नहीं हो, केवल नेट शीट लगी हो जिन वायर्स बंधे हो और 2 wires के बीच में गैप हो, उसी बच्चे की अगर आंख पे हम पट्टी बांध दें और उसे बोले कि आप बॉल थ्रो कीजिए, तो क्या उसे साउंड सुनाई देगा? उसे वो साउंड सुनाई नहीं देगा, क्योंकि जब वो बॉल थ्रो करेगा तो वो वायर्स के बीच में से पास हो जाएगी और उसे कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी. तो इसी तरह क्या किया रदरफोर्ड ने, जब गोल्ड शीट के ऊपर अल्फा रेज पास की तो उसने फर्स्ट ये देखा कि कुछ रेज बड़े ही हाई प्रेशर से बाहर की ओर निकल गई, यानी बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के वो पास हो गई. कुछ जो रेज थी वो अपने मार्ग से टेढ़ी हो गई, इट मीन्स किसी स्ट्रॉन्ग चीज से टकराई और वो अपने वे से मूव हो गई. और कुछ थिंग ऐसी थी जो इतनी फास्टली मूव हुई वापस अपसाइड में. सपोज ये ऐसा नहीं हो सकता जैसे किसी हम तोप का गोला चलाएं और तोप का गोला टिश्यू पेपर से टकरा के हमारी तरफ आ जाए, इट मीन्स पतली थिंग से टकरा के वापस लौटना इम्पोसिबल है. तो ये जो रिजल्ट उसके सामने आया कि भाई किसी चीज से टकरा के वापस आ रही है, क्योंकि गोल्ड शीट बिल्कुल पतली थी तो अल्फा रेज को टकरा के लौटने का चांस ही नहीं था. तो उसने ये निष्कर्ष निकाला कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका अधिकांश पार्ट होलो होता है, क्योंकि खाली होने से क्या वो इजीली पास हो जाते हैं. उसके सेंटर में एक चार्ज पाया जाता है, ये चार्ज बहुत स्ट्रांग होता है, इसी चार्ज की टकराने की वजह से कुछ रेज वापस रिटर्न होती है और कुछ अपने मार्ग से विचलित हो जाती है. तो ये रदरफोर्ड ने मॉडल बनाया था, इसी के कारण इन्हें न्यूक्लियर साइंस में फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस के अवार्ड से जाना जाता है, इन्हें सम्मान में. इन्होंने बहुत अच्छी खोज की थी न्यूक्लियर साइंस में कि न्यूक्लियस को इन्होंने फाइंड करने में हेल्प की थी. लेकिन इसकी वजह से भी हमें प्रॉपरली जो इलेक्ट्रॉन हमारे एटम की स्ट्रक्चर नहीं मिल पाई. इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन चारों ओर मूव करता है, तो जब वो मूव करता है थॉमसन के मॉडल के अनुसार तो उसका वेग हाई हो जाता है. वेग हाई होने से, रोटेशन फास्ट होने से वो सेंटर में गिर जाता है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल बन जाता है. तो उस वाली कंडीशन को ये डिस्क्राइब नहीं कर पाए. इस मॉडल को सफलता तो मिली, लेकिन जितनी सफलता मॉडल को मिलनी चाहिए वो सफलता उन्होंने गेट नहीं कर पाई. इसके लिए फिर एक और मॉडल आया, नील बोर ने ये मॉडल डिस्क्राइब किया था और ये अब तक का सबसे बेस्ट मॉडल माना जाता है साइंस के अंदर. इसी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के लिए दिया गया. इन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन्स के एटम्स की स्ट्रक्चर को फाइंड करने में हेल्प किया. उन्होंने फाइंड करके ये पता लगाया कि किसी भी एटम्स के मध्य उसका न्यूक्लियस पाया जाता है. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है. न्यूट्रॉन इज ऑल्सो ए चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन नो चार्ज. इसमें के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन जितना वेट उस प्रोटॉन का होता है उतना ही वेट न्यूट्रॉन का होता है. तो इन्होंने बताया कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है. साथ में उन्होंने बताया कि जो एटम्स है उसकी फिलिंग का वेट दिया. इनमें हम जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं
तो कौन से मॉडल में कितने आएगा? हमारे पास इन पेरियोडिक टेबल्स 108 समथिंग एलिमेंट्स है, तो उनको हम एक ही राउंड में तो फिल नहीं कर सकते, तो इन्होंने इसको स्ट्रक्चर को फिल करने का जो मॉडल दिया, इसी के कारण इन्हें अच्छी सफलता मिली। इन्होंने बताया कि ये फोर लेयर्स में बना होता है। फर्स्ट जो इनर लेयर है उसे की शेल नाम दिया, और मैथमेटिकली N1 इन्होंने इसे नंबर दिया। जो सेकंड शेल थी उसे L शेल नाम दिया, N2। थर्ड शेल को इन्होंने M शेल नाम दिया, एंड इसे नंबर दे दिया 3। N शेल 4 शेल है, इसे 4 नाम दिया। तो इन्होंने इनके फीलिंग के लिए एक फॉर्मूला दिया। ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जनरली हम इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए 4 लेयर्स का यूज करते हैं, क्योंकि इन लेयर्स के अंतर्गत ये हो जाता है। अगर आपके पास लेयर ज्यादा हो तो फिर इनके ऑर्बिट बनते हैं S P D, तो ये आपके हायर लेवल्स में। अभी तो आपको केवल ये K L M और N लेयर्स के बारे में स्टडी करनी है। इनको निकालने का फॉर्मूला था 2N2। N इज द नंबर ऑफ शेल, सपोज अगर हम फर्स्ट शेल की बात करें, फर्स्ट शेल हमारा K है, तो K के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 × 1² = 1, 1 × 2 = 2। सेकेंड N शेल में 8, थर्ड N में 89 और हाईएस्ट L शेल में 32 एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसे आप देखने के लिए सपोज आपको हमारा जो हाइड्रोजन है उसमें 1 होता है, तो उसका जो है उसके जो आउटर शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें हीलियम 2 होता है तो उसमें ये 2 आ जाएगा। लिथियम 3 होता है, तो अब देखो लिथियम में 3 है, 2 से ज्यादा हो गया, तो फर्स्ट लेयर में तो कितने आएंगे? 2। अब उसका जो 1 बचा वो आउटर लेयर में आ जाएगा। इसी तरह अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन होता है 8, तो फर्स्ट लेयर में 2, रिमेनिंग कितने बचे? 6। 6 का आएंगे आउटर लेयर में, 6। ये इस तरह इनको फिलिंग का वे होता है इलेक्ट्रॉन्स की। ये मॉडल बोर्न इज, कल हम इनको अरेंज करना और बैलेंसेस करना देखेंगे।